यूं तो भारत के कई शहरों में अपराधी ग्राफ बढ़ा हुआ है, लेकिन नागपुर शहर के नंदनवन थाने का अपराधी ग्राफ पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। नंदनवन थाने में 2018 की तुलनाओं में 2019 का आपराधिक ग्राफ काफी कम हुआ है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने शहर के जाने माने छोटे बड़े सभी अपराधियों पर शिकंजा कसा है, जिसके चलते आपराधिक घटना कम हुई है, ऐसी जानकारी नंदनवन के पीआई पवार इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम खड़ी है नंदनवन पुलिस थाने में, जहाँ में हमारे साथ में है पीआई पवार साहब। 365 दिन में क्या वारदात हुई थी कनान के इस अंतर्गत आने वाले परिसर में, जिसकी यहाँ पे शिकायतें दर्ज है। आइए हम रुक करना चाहेंगे, इस समय में पुलिस निरीक्षक पवार साहब है। पवार साहब, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। नंदनवन थाने के जो इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका था, इस पे से रिंग रोड और या रेजिडेंस ये पूरा ज़्यादा था। आउटर रिंग रोड तक यहाँ का नंदनवन का पूरा ज्यूरिडिक्शन था। इस पे ये साल, अभी जो साल गुजर रहा है 2019, इस पे नियर अबाउट 9 मर्डर है और बाकी के भी कुछ क्राइम है ज़्यादा। लेकिन अभी वाठोड़ा पुलिस स्टेशन जो नया अभी 2 महीने क्रिएट हुआ, उसके वजह से थोड़ा अभी राहत है, क्राइम कम हो रहा है, जिसके वजह से अभी ये साल नियर अबाउट नंदनवन थाने में जो दर्ज ऑफेंस है उस पर 70% वो डिटेक्ट किया है, कि जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। ये क्राइम डिटेक्शन तो है, लेकिन प्रिवेंशन में भी हम बहुत अच्छा कामयाब हासिल किया है। यहाँ पे 5 MPDA किया है, जिसके वजह से एक साल के लिए जो हार्ड कोर क्रिमिनल है वो अंदर है। इस पर 2 मौका लगा है और उस पर वो भी क्रिमिनल अभी अंदर है, और नियर अबाउट 9 हार्ड क्रिमिनल वो तड़ी पार किया है, जिसके वजह से अभी बहुत कुछ यहाँ नंदनवन की शांतता है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नागपुर पुलिस स्टेशन नंदनवन नागपुर शहर का ये पूरा वो चार्ट है, जहाँ पे ये पूरे इस तरह के कैसे कैसे ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस के क्या प्रकार होते हैं, ये सब का पूरा इन्होंने स्टैटिस्टिकली ये पूरा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने मर्डर हुए, कितने मकोका लेके, कितने NDPs लेके, दारूबंदी, जुगाड़ कायदा, आर्म एक्ट, चोरी हो, चेन स्नैचिंग हो, या डकैती हो, तड़ी पारी हो, ऐसे जो वारदात हुई है उन सब की यहाँ पे पूरा दर्ज किया गया है। और नंदनवन पुलिस थाना अपने आप में एक चैलेंजेबल ऐसा पुलिस थाना है, क्योंकि ये जो परिसर है यहाँ पे झोपड़पट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है, और कुछ ऐसे इलाके कि जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं होती है, घटनाओं को रोकथाम करने के लिए नंदनवन पुलिस दिन रात काम कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और PI पवार साहब ने जिस प्रकार से 365 दिन में क्या क्या हुआ है इस बारे में जो ब्यौरा दिया है वो एक सही और दुरुस्त है। और भी नए साल में देखना होगा कि और कितने क्या क्या शिकायतें दर्ज होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो भी ऑफेंस हुए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और यही पुलिस की उपलब्धि है। नागपुर के नंदनवन पुलिस थाने से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।